बीमा पॉलिसी विधि आपने देखी, ये जो दोनों ही विधियाँ थी जिन्हें हम सिंकिंग फंड मेथड और बीमा पॉलिसी विधि के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हमने जाना कि किस किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। दूसरा एक मेथड जिसके बारे में हमने बात की थी वो है लॉटरी विधि। अब ये क्या है लॉटरी विधि, आइए देखते हैं। क्या होता है कि एक कंपनी जब अपने ऋण पत्र को निर्गमित करती है तो कई बार वो ऐसे नियम शर्तें लगा देती है कि वर्ष में अगर ज़रूरत हो, अगर आवश्यकता हो तो वो बहुत से ऋण पत्र धारियों को जो उनके ऋण पत्र की राशि है उनका शोधन कर देगी, यानी कि भुगतान कर देगी। अब ऋण पत्रधारी तो बहुत से हैं, उनमें से किस ऋण पत्रधारी को भुगतान किया जाएगा, यानी किन ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा, ये कैसे पता लगाया जाए, तो यहाँ पर लॉटरी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ड्रम में चिट डाल दी जाती है, उन डिबेंचर होल्डर्स के नाम या उनका उन नंबर जो भी होता है वो डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसको घुमाकर या अन्य जो भी मेथड्स हो सकते हैं लॉटरी के, उसके अकॉर्डिंग एक चिट निकाली जाती है और जिन जिन ऋण पत्रधारियों के नाम आते हैं उन सभी ऋण पत्रधारियों को उस एक निश्चित वर्ष में ऋण पत्र की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये एक लॉटरी मेथड बहुत सीधा साधारण सा मेथड है जिसके आधार पर ये फाइनलाइज कर लिया जाता है कि किन किन ऋण पत्रधारियों को ऋण की राशि का भुगतान करना है। एबीसी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2002 को 5% बट्टे पर 100 रुपये प्रत्येक के 3014% ऋण पत्र जारी किए। इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्रत्येक वर्ष का 31 दिसंबर को दिए हैं। यह ऋण पत्र 3 समान किस्तों में शोधनी है और जो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में दिए हैं। कंपनी के खाता पुस्तकों में 14% ऋण पत्र खाता तैयार करें तथा ऋण पत्र निर्गमन का बट्टा खाता और ऋण पत्र ब्याज खाता तैयार करें। इस प्रश्न में क्योंकि 1 जनवरी 2002 को 5% बट्टे पर ऋण पत्र 3000 ऋण पत्र जो प्रत्येक 100 रुपए के हैं जारी किए गए हैं, ब्याज की तिथि इसमें दी गई है और इनका जो भुगतान है वो 3 समान किस्तों में किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे और क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में हम क्योंकि 3 समान किस्तों में भुगतान करना है और इसकी जो टोटल अमाउंट है वो है 3000 अंशों के हिसाब से 100 रुपए का एक अंश, यानी कि 3 लाख रुपए, और क्योंकि 5% बट्टे पर उसको इश्यू करना है तो ये 15,000 रुपए, यानी 3 लाख का 5% 15,000 रुपए इसका बट्टा आ जाएगा। और जनरल बेस पे अगर हम यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट बनाएं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाती है डिबेंचर, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर हम 1 जनवरी को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे 14% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में और 2,85,000 से इसकी एंट्री करेंगे, और 31 दिसंबर को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो इस पे बैलेंस बचता है 15,000 वो लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा बैलेंस हम 31 दिसंबर 2002 को ट्रांसफर कर देंगे 14% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस CD 3 लाख से। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2002 का, ये पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस हम अब 2003 में 1 जनवरी को ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD और 3 लाख हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमको 3 समान किस्तों में भुगतान करना है तो फिर से अब हम इसको 31 दिसंबर को ट्रांसफर कर देंगे 3 लाख क्लोज करेंगे, और 2003 का अकाउंट क्लोज करने के बाद वापस हम इसको 2004 में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 समान किस्तों में शोधनी है ये दिया गया है और यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है जो कि तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में दे होगा, तो तीसरे वर्ष तक हमको इसको बैलेंस को ट्रांसफर करते हुए लाना है, यानी 2004 तक लाना है। तो 2003 से अब हम इसको इसका बैलेंस ट्रांसफर करके 2004 1 जनवरी को लाते हैं बाय बैलेंस BD और 3 लाख से हम इसकी एंट्री करते हैं, और अब क्योंकि हमको यहाँ पे भुगतान करना शुरू करना है 3 लाख रुपए की अमाउंट है 3 समान किस्तों में देना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1-1 लाख रुपए हमको हर साल देना है। तो 2004 में हमने जो क्रेडिट साइड में 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर किया है 3 लाख का, उसको हम पेमेंट जब करेंगे तो 2004 दिसंबर 31 को
यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ हम 14% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक 1 लाख, और अब जो बैलेंस बचता है 31 दिसंबर 2004 को वो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और 2 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे और 3 लाख टोटल करके क्लोज कर देंगे। अब ये जो बैलेंस है 31 दिसंबर का टू बैलेंस सीडी 2 लाख, इसको हम ट्रांसफर करेंगे 2005 में 1 जनवरी 2005 को बाय बैलेंस बीडी 2 लाख से, और फिर से हमको इसको 1 लाख रुपए पेमेंट कर देना है। तो अब फिर हम 1 लाख पे कर देंगे 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और अब क्या बैलेंस बचता है 2 लाख में 1 लाख हमने पे कर दिया है, 1 लाख और बचा तो उसको हम बैलेंस में यहाँ पे लिख देंगे टोटल 2 लाख करके हम 2005 का अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और ये जो 1 लाख की अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे 2006 में बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, और फिर से हम तीसरी इसकी जो किस्त है वो 31 दिसंबर 2006 को पे कर देंगे 1 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट और डेबिट साइड में 1 लाख से, और ये जो अब बैलेंस है ये बराबर हो गया। इसी तरह से हमको क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाने भी कहा गया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2002 को ये 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया था, और इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 3000 × 100 यानी कि 3 लाख रुपीस, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 14% मिलेगा क्योंकि 14% डिबेंचर इसका नाम है। तो जब 3 लाख का 14% यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 42000 हमको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री बेस पे अगर हम इसकी एंट्री करते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक 31 दिसंबर को और 42000 से इसकी एंट्री करेंगे, और ये पूरा का पूरा 42000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 2002 का अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर क्योंकि 5 ईयर तक ये पूरा मिलते रहेगा, 5 साल का के लिए ये निर्गमित है पूरा का पूरा, तो 2003 31 दिसंबर को फिर से वही जनरल एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर से यहाँ पर हम 42000 का पेमेंट करेंगे, और उसके बाद ये जो 42000 का पेमेंट है वो पूरा का पूरा 31 दिसंबर 2003 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर 2003 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 42000 से यहीं पे क्लोज कर देंगे, और उसके बाद 2004 31 दिसंबर को फिर से हम 3 लाख पे 14000 इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसको हम 2004 31 दिसंबर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में टू बैंक 42000 लिखेंगे, और फिर क्रेडिट साइड में हम 2004 31 दिसंबर प्रॉफिट एंड लॉस 42000 बैलेंस ट्रांसफर करके उसको हम क्लोज कर देंगे। 2005 में हमको फिर से 3 लाख पे देना है इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अब जो 2004 की जो वैल्यू है वो जो है वहां पर हमने 1 लाख पेमेंट कर दी है, और अब जो बच रहा है अमाउंट वो केवल 2 लाख की अमाउंट बच रही है क्योंकि 1 लाख रुपए पे किया जा चुका है, पहली किस्त यहाँ पे हम कर चुके हैं, तो बाकी जो 2 लाख रुपए बचा है केवल उस पे ही 14% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 28000 से ही इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है, 2 लाख × 14% 28000 से ही कैलकुलेशन करनी है, और एंट्री भी 28000 हमको यहाँ पे पास करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में 2005 31 दिसंबर को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 28000, और फिर 2005 31 दिसंबर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के इसको क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर 2006 में हमने जब 14% डिबेंचर अकाउंट बनाया था तो वहां पे हम देख रहे हैं कि 2006 में जो बैलेंस बचा है वो केवल 1 लाख का ही बचा है, तो अब हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल 1 लाख पे ही है, तो ये जो 1 लाख है इस पे जब हम 14% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14000। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में 2006 31 दिसंबर टू बैंक 14000, और फिर हम इस 14000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 2006 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14000 से क्लोज कर देंगे।
नेक्स्ट, इसके लिए हमको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने भी कहा गया है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमको ध्यान में रखना है कि ये जो बैलेंसेस आते हैं डिस्काउंट के, जो हमने कैलकुलेट किया है 15,000 3 लाख पे 15% 3 लाख पे 5% यानी कि 15,000 का जो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, उसमें से जो तीन किस्त में अलग अलग, जैसे ओवरऑल जब अमाउंट को हमने ट्रांसफर किया है वैसे डिस्काउंट को भी जब हम तीन किस्तों में अलग अलग ट्रांसफर करेंगे तो प्रत्येक वर्ष के लिए डिस्काउंट की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम बैलेंस के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने जब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाया तो 31 दिसंबर को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के लिए सबसे पहले जो डिस्काउंट का बैलेंस है 1 जनवरी 2002 को 15,000 वो हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट साइड में आ जाएगा 1 जनवरी 2002 टू बैलेंस BD 15,000। और इसका 25% भाग हमको क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि वीडियो में हमने देखा 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 का 25% 3,750 और बाकी जो बैलेंस बचा वो हम नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे। तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD 11,250 यानी 15,000 में से जब हम 3,750 माइनस करेंगे तो 11,250 का बैलेंस आएगा डिस्काउंट अकाउंट का और फिर टोटल 15,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो 11,250 जो बैलेंस है डिबेंचर अकाउंट का, इसको जब हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे यानी 2003 में, तो फिर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस BD 11,250 और 2003 में 31 दिसंबर को फिर से 25% क्योंकि टोटल जो अमाउंट रहती है उसका 25% हमको यहाँ ट्रांसफर करना है। तो फिर वही अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 31 दिसंबर 2003 को ट्रांसफर करेंगे 3,750 और 11,250 में से जो बैलेंस बचता है 3,750 उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये जो बैलेंस हमारा बचेगा वो हो जाएगा 7,500 और फिर जो 2003 का डिस्काउंट अकाउंट है उसको हम 11,250 से क्लोज कर देंगे। अब 2004 में ये जो 7,500 का बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी टू बैलेंस BD 7,500 और फिर से 25% जो 15,000 का हमने कैलकुलेट किया था वो बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,750 और फिर 31 दिसंबर को इसका जो बैलेंस है 3,750 वो हम यहाँ लिखेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है।